नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का। प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल हत्याकांड में पीडीए की कार्रवाई लगातार जारी है। बीते 2 दिनों तक पुलिस ने 2 आरोपियों के घर जमींदोज किए। वहीं अब ऐसा माना जा रहा है कि पीडीए अभी भी ये कार्रवाई जारी रखेगी। बताया जा रहा है कि नगर निगम का दस्ता पूरा मुफ्ती थाना क्षेत्र में पहुंच चुका है। पहले दिन जफर का मकान गिराया गया, दूसरे दिन सफदर का, वहीं तीसरे दिन गुड्डू का घर भी जमींदोज हो सकता है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। बता दें, लगातार माफियाओं के संपत्तियों पर बाबा का बुलडोजर चल रहा है। पीडीए का बुलडोजर अभियान लगातार जारी है। और प्रयागराज से हमारे संवाददाता पवन पटेल हमसे जुड़ेंगे। पवन, एक बार फिर से माफियाओं पर बुलडोजर गरज रहा है, क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है? जी बिल्कुल मयूरी, बीते 24 फरवरी को उमेश पाल को दिन दहाड़े गोलियों से मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था। उसके बाद से लगातार पुलिस अपराधियों के ठिकाने पर छापेमारी कर रही है और जितने भी नाम अभी तक सामने आए हैं पुलिस की टीमों द्वारा व पीडीए की टीम द्वारा लगातार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। आज लगातार ये तीसरी कार्रवाई है और जो ये पूरा मुफ्ती थाना क्षेत्र में की जा रही है। बताया जा रहा है कि ये जो आरोपी है अतीक अहमद का बेहद करीबी है और अतीक कंपनी को फंडिंग कराता था। इसी को लेकर पीडीए की टीम ने आज यहाँ पर कार्रवाई शुरू की है और लगातार 4 जेसीबी मशीनों से 2 मंजिला मकान को ध्वस्त किया जा रहा है। पवन, आप मौके पर मौजूद है, आपके पीछे बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, तस्वीर दिखाने की आप कोशिश करें। बिल्कुल मयूरी, ये सीधी तस्वीरें हैं। ये देखिए किस तरीके से जेसीबी मशीनों से इस खूबसूरत से मकान को तोड़ा जा रहा है। ये देखिए सीधी तस्वीरें साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। ये इस तरीके से जेसीबी मशीन को लगाकर, और ये पोकलैन मशीन है जो बड़ी मशीन है, और ये खूबसूरत सा मकान जो अभी आधा दिख रहा है, कुछ ही देर में ये मकान जो है वो जमींदोज हो जाएगा। लगातार जो कार्रवाई है साफ तौर पर देखी जा सकती है। बताया गया कि ये जो आरोपी है ये अतिकेट कंपनी को फंडिंग कराता है। हालांकि घर के जो मालिक है उन्होंने इस कार्रवाई को लेकर असंतोष जाहिर किया है। उनका कहना है कि ये इनके ऊपर कार्रवाई जबरन की जा रही है, लेकिन पीडीए के अधिकारियों का कहना है कि इस मकान को बिना नक्शा पास कराए अवैध तरीके से निर्माण कराया गया था। हालांकि ये जो मकान है इस पर निर्माण कार्य अभी भी जारी है और यह 22 जुलाई से इस मकान की जो है वो शुरुआत की गई थी। हालांकि इसमें अभी जो है निर्माण कार्य वो भी जारी है और यह सीधी तस्वीरें देखी जा सकती है कि किस तरीके से मकान में यह पीडीए की टीम लगातार कार्यवाही कर रहा है। अगर बात की जाए उन तस्वीरों की तो तस्वीरों में देखिए कि पीछे भी 2 बुलडोजर दिख रहे होंगे। हालांकि जो लगातार 4 बुलडोजर है उससे इस खूबसूरत से मकान को गिराया जा रहा है और आरोप है कि ये जो आरोपी है इस अतिकेन कंपनी को फंडिंग कराता है, जिसको लेकर पुलिस और पीडीए की टीम लगातार कार्यवाही कर रही है। जी मयूरी, पवन, बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, सुरक्षा के कैसे इंतजाम देखने को मिल रहे हैं आसपास? बिल्कुल, अगर सुरक्षा की बात की जाए तो एक और तस्वीर में दिखाऊंगा। ये देखिए ये तस्वीर है, इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि यहाँ पर किस तरीके से लोगों की भीड़ है और किस तरीके से यहाँ पर पुलिस की टीमें हैं वो तैनात की गई हैं। पुलिस की टीम भी यहाँ पर है, पीडीए के अधिकारी भी है, और ये जिस तरीके से यहाँ पर लोगों की भीड़ है, ये लोग यहाँ पर किस तरीके से, देखिए आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा कि यहाँ हजारों लोगों की भीड़ है और ये कार्रवाई जो है वो देख रहे हैं। तो तस्वीरें देखकर ये भी कहा जा सकता है कि जिस तरीके से उमेश पाल को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया गया था, तो यह जो इस तरीके की कार्रवाई है वो कहीं न कहीं अपराधियों को हौसले को पस्त करेगी और उनके लिए एक बड़ा संदेश का काम करेगी कि इस तरह की घटना को अंजाम देने वालों के साथ उत्तर प्रदेश सरकार किस तरीके से कार्रवाई करेगी। क्योंकि इस पूरे कार्रवाई को कहा जा रहा है कि जिस घटनाक्रम के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में कहा था कि इस पूरे घटनाक्रम में शामिल जितने भी आरोपी हैं उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा, और यह लगातार तीसरे दिन की कार्यवाही साफ तौर पर दिखा रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में इस बात को क्यों जोर दिया था कि इस पूरे घटना में शामिल जितने भी आरोपी हैं उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। तस्वीरों में देखिए 2 मंजिला ये जो मकान है इसकी कीमत करोड़ों रुपए से ज्यादा की आकी गई है और जिस तरीके से लगातार ये तीसरे दिन पीडीए की टीम कार्यवाही कर रही है, तस्वीरें साफ तौर पर दिखा रही है कि उत्तर प्रदेश सरकार किस तरीके से अपराधियों माफियाओं पर कार्रवाई कर रही है।
साफ तौर पर ये जो कार्रवाई है वो देखी जा सकती है और लगातार ये तीसरे दिन पीडीए की टीम कार्रवाई कर रही है। जी मयूरी। पवन, ये बुलडोजर की कार्रवाई कब तक चल सकती है और किन अपराधियों पर बुलडोजर की गाज गिर सकती है आगे? हालांकि ये जो पूरा घटनाक्रम है ये हाई प्रोफाइल हो चुका है और अधिकारी इस पर कुछ भी बोलने से कतराते हैं। हालांकि पुलिस कमिश्नर प्रयागराज रमेश शर्मा से हमने बातचीत करने की कोशिश की थी तो उन्होंने इस बात को दोहराया है कि जो पूरा घटनाक्रम है इसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको हम सार्वजनिक नहीं कर सकते क्योंकि यह ऑपरेशन कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकता है। हालांकि किस तरीके से और भी अपराधी हैं उनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी ये कहना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि लगातार जो कार्रवाई का दौर है वो जारी रहेगा क्योंकि पुलिस द्वारा करीब 13 लोगों को चिन्हित किया गया है और इस पूरे घटनाक्रम में अलग अलग स्थानों से करीब 50 से ज्यादा लोगों को उठाया गया है जिनको पुलिस व एसटीएफ की टीमों द्वारा लगातार पूछताछ की जा रही है। जी मयूरी। पवन, अभी बुलडोजर की कार्रवाई प्रयागराज में देखने को मिल रही है और किन शहरों में बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है? चूंकि अतीक अहमद के जो तार है वो प्रदेश के साथ साथ कई अन्य देशों में भी जुड़े हैं, कई अन्य शहरों में भी जुड़े हैं। अगर बीते दिनों की बात की जाए तो लखनऊ स्थित एक अपार्टमेंट में अतीक अहमद की दो लग्जरी गाड़ियां भी पुलिस ने बरामद की है। कई ऐसे शहर हैं और कई ऐसे प्रदेश हैं जहां पर अतीक एंड कंपनी काम करती है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की टीमें लगातार कार्य कर रही हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रयागराज सहित कई अन्य शहरों और प्रदेशों में भी इस तरह की कार्रवाई देखने को मिल सकती है। जी। हमारे संवाददाता पवन पटेल प्रयागराज से लाइव तस्वीरें दिखा रहे थे जहां बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। पवन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। पीडीए का बुलडोजर अभियान लगातार जारी है, अपराधियों की संपत्तियों पर बाबा का बुलडोजर गरज रहा है। लाइव तस्वीरें आपको प्रयागराज से दिखा रहे थे जहां बुलडोजर की कार्रवाई 3 दिन से लगातार जारी है और आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ब्रिटेन के दौरे पर है। उन्होंने कैम्ब्रिज में अपने संबोधन के दौरान दावा किया कि उनके फोन में जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस था। राहुल गांधी ने कहा भारत में लोकतंत्र खतरे में है। उन्होंने कहा मेरे फोन में भी पेगासस था, हम लोग निरंतर दबाव महसूस कर रहे हैं, विपक्षी नेताओं पर केस किए जा रहे हैं, मेरे ऊपर कई केस किए गए, ऐसे मामलों में केस किए गए जो बनते ही नहीं, हम अपना बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं राहुल गांधी की ओर से पेगासस के जरिए जासूसी कराए जाने के आरोप पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को झूठ बोलने और भारत को बदनाम करने की आदत है। साथ ही कहा कि पेगासस उनके दिमाग में है। पेगासस पे राहुल गांधी जी की क्या मजबूरी थी कि उन्होंने अपना मोबाइल फोन जमा नहीं करवाया? और वो नेता जो भ्रष्टाचार के चलते बेल पर है, ऐसा क्या था उनके मोबाइल फोन पे जो उनको अपना छिपाने की जरूरत थी? वो और अन्य नेताओं ने अपना मोबाइल फोन क्यों जमा नहीं करवाया? बार बार झूठ बोलना, विदेशी धरती का इस्तेमाल करना, विदेशी दोस्तों का, विदेशी एजेंसियों का इस्तेमाल करना, ये आदत सी बन गई है और भारत को बदनाम करने की आदत बन गई। गौरव हमसे जुड़ेंगे। गौरव, राहुल गांधी ब्रिटेन दौरे पर हैं जहां राहुल गांधी ने कहा भारत में लोकतंत्र खतरे में है, मेरे फोन में पेगासस है, वहीं अनुराग ठाकुर ने इस पर पलटवार किया है। देखिए मयूरी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस तरह के बयान मेरे ख्याल से विदेशों में जाकर नहीं देना चाहते। हमारे देश की संस्कृति है, हमारा जो लोकतंत्र है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इसके तहत हमको अपने देश की गरिमा को बनाए, उसकी प्रतिष्ठा को बनाए रखना चाहिए। राहुल गांधी वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर संबोधित करते हैं और वहाँ पर भारत की जो बातें हैं विरोध करते हैं, अपनी कमियाँ बताते हैं कि जिस तरह से हमारा यहाँ पर हमारे फ़ोन में पैकेज सॉफ्टवेयर रखा गया है, हमारी ट्रिपिंग होती है, वहाँ पर हमारे ऊपर केस दर्ज हो रहे हैं,
तो कहीं ना कहीं जो उनका विरोध है वो विरोध के लिए भारतीय धरती पर्याप्त है, देश में विरोध करना चाहिए, देश की जनता को पता चले। पर ब्रिटेन में जाकर इस तरह विरोध जताना, ये कहीं ना कहीं देश को जो प्रतिष्ठा है उसकी जो वैश्विक छवि है उसको खराब करने का प्रयास किया, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार विदेश नीति के आधार पर या वैश्विक व्यवस्थाओं के आधार पर लगातार भारत का जो एक परचम है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। जिस तरह से देश जो देश की प्रतिष्ठा है वो लगातार बढ़ रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक वैश्विक बड़े नेता के रूप में देखा जा रहा है, चाहे फॉलोअर्स के मामले से बात करें या प्रशंसकों की बात करें, तमाम मुद्दों पर उनको यहाँ पर अग्रणी नेता के रूप में शामिल किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर लाभ मिल रहा है या उनकी छवि को बेहतर बताया जा रहा है तो उसका लाभ यहाँ देश को भी मिल रहा है और यहाँ पर देश की प्रतिष्ठा और नीति की हमेशा ही तुलना होती है और उनकी तारीफ होती है। तो कहीं ना कहीं अगर इस तरह के बयान देते हैं, इसके बयान से जो वैश्विक छवि है भारत की वो खराब होती है। अगर आपके फोन में सॉफ्टवेयर किया गया है, आपकी फोन टेपिंग हो रही है, तो इसका विरोध आप देश में जताइए। उसके लिए आपको मेरे ख्याल से एक वैश्विक मंच या ब्रिटेन में जाकर किसी को सम्मिलित करने का बताने में या उनको अपने दर्द बताने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है। और ऐसा ही जरूरत उन्होंने अनुराग ठाकुर ने बताया है कि मेरे ख्याल से कि जलते तेल पे भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। पर निश्चित रूप से यहाँ पर मैं अनुराग ठाकुर के बयान का समर्थन नहीं करूँगा, पर एक बात, एक आम नागरिक, एक जनता के मरम्मत के रूप में या जनता का एक प्रतिनिधि के रूप में या एक पत्रकार के रूप में मैं जरूर कहना चाहूँगा कि शायद वैश्विक मंच पर इस तरह की बात कहना या किसी अन्य देश में जाकर इस तरह की बात कहना कि विपक्षी नेताओं पर अत्याचार किया जा रहा है, केस दर्ज हो रहा है, मेरे ख्याल से देश की छवि को, और शायद राहुल गांधी जिनका एक व्यवस्था है कांग्रेस में लगातार लंबे समय तक उनकी जो परिवार है उसका राज रहा है, और अभी हाल में हमने देखा जिस तरह से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, कहीं ना कहीं उनकी छवि थी वो लगातार बदल रही थी, उस छवि के तहत उनको और बेहतर यहाँ पर प्रयास करने चाहिए थे। वैश्विक मंच पर ब्रिटेन में जाकर इस तरह की बात करना मेरे ख्याल से बहुत काबिल तारीफ नहीं होनी चाहिए। जी गौरव, अगर देखें तो राहुल गांधी पहले भी भारत में जासूसी का मुद्दा उठा चुके हैं, वो ब्रिटेन में जाकर ऐसा बयान दे रहे हैं, तो उनका मकसद क्या है, वो दिखाना क्या चाहते हैं? देखिए राहुल गांधी की अगर बात करें, कांग्रेस की बात करें, तमाम पार्टियों की बात करें, वो समय समय पर ऐसे बयान देते रहते हैं कि सामने वाले देश को बताएं, सामने वाले देश को जताएं कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। तमाम तरह इस तरह के बयान चीन के लिए भी, समर्थन के लिए भी आए, तमाम बयान पाकिस्तान के समर्थन के लिए भी आए, तो हमारे देश की राजनीति दल इस तरह के बयान देते रहते हैं। पर इन बयानों से उनको समझना चाहिए कि हमारे देश की जो वैश्विक छवि है वो खराब होती है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वहाँ पर बयान देने से आपको लाभ क्या होने वाला है, कहीं ना कहीं ये सोची समझी रणनीति है कि भारत को यहाँ पर वैश्विक स्तर पर मेरे ख्याल से विरोध दर्ज कराने के लिए गए हैं कि अगर देश में सुनवाई नहीं हो रही तो वैश्विक मंच से अपनी आवाज उठाने का प्रयास करते नजर आ रहे हैं राहुल गांधी फिलहाल। जी धन्यवाद गौरव तमाम जानकारियों के लिए। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में शुक्रवार को अदालत में बदल गई। विशेषाधिकार हनन के मामले में सदन में 6 पुलिसकर्मियों के खिलाफ सजा का फैसला सुनाया। सभी पुलिसकर्मियों को सदन के अंदर कटघरे में पेश किया गया, जहां विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सजा सुनाई। इन सभी पुलिसकर्मियों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन मामले में सुनवाई हुई थी। सदन की समिति ने 27 फरवरी को इन सभी को दोषी ठहराया था, जिसके बाद शुक्रवार को सजा सुनाने की कार्रवाई की गई है। सजा 3 मार्च रात 12 बजे तक होगी। इस दौरान सभी पुलिसकर्मियों को विधानसभा में बनी सेल के लॉकअप में रखा जाएगा। बता दें कि इससे पहले विधानसभा में 1996 में अदालत लगी थी। इस खबर पर हमारे संवाददाता विवांशु हमसे जुड़ेंगे। विवांशु, सबसे पहले आप ये बताएं कि ये पूरा मामला है क्या? जी मयूरी, आपको बता दें कि कानपुर के अंदर में बिजली कटौती के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की अगुवाई में बिजली कटौती मामले को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। इसके बाद आपको बताया कि 2000 के अंदर में बात करें तो उस वक्त समाजवादी पार्टी की सरकार थी, और समाजवादी पार्टी की सरकार रहने के दौरान ये जो तमाम विधायक थे जो बिजली कटौती की मांग को लेकर कहीं ना कहीं प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे। आपको बताएं कि 15 सितंबर 2004 का ये मामला है, जिस दौरान विधायकों पर लाठी बरसाई गई थी, जिसमें तत्कालीन विधायक सलील बिश्नोई के पैर में फ्रैक्चर भी आया था, जिसके बाद कहीं ना कहीं ये मामला सदन के पटल पर रखा गया और कार्रवाई की बात कही गई।
उसी को लेकर अगर बात की जाए तो आज सदन के अंदर में मयूरी 58 सालों के बाद आज अदालत लगाई गई। 1964 में इससे पहले अदालत लगाई गई थी। इस अदालत में अगर बात की जाए तो जो तमाम 2004 के अंदर में जो कानपुर के अंदर में लाठी चार्ज किए थे विधायक के ऊपर, कार्यकर्ताओं के ऊपर, वो तमाम जो दोषी पुलिसकर्मी थे और वो विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के समक्ष प्रस्तुत हुए और उनकी तरफ से बात करें तो 6 पुलिसकर्मी जो थे उनकी तरफ से साफ तौर से माफ़ी मांगी गई और दोबारा ऐसा न होने की बात कही गई। वहीं आपको बताएं कि विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना इस मामले को लेकर उन्हें आज एक दिन की जेल का प्रावधान दिए, यानी कि एक दिन की सजा सुनाई गई, जिसके बाद आपको बताएं कि इन जो दोषी पुलिसकर्मी थे इनको विधानसभा के अंदर में जो मार्शल तैनात होते हैं वो उन्हें विधानसभा के विशेष लॉकअप में उन्हें ले जाकर बंद कर दिया। आपको बताएं कि इस मामले पर विधानसभा अध्यक्ष ने जो तमाम नेता विरोधी दल हैं या विधान मंडल दल के नेता हैं उनकी सहमति मांगी तो सभी के जो बोल थे इस मामले को लेकर वो साफ तौर से सतीश महाना के इस फैसले पर कहीं ना कहीं हामी भरते हुए नजर आए। आपको बताएं कि कांग्रेस पार्टी की विधायक दल की नेता आराधना मिश्रा मोना, साथ ही सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सुभाषपा के नेता ओम प्रकाश राजभव, साथ ही साथ आपको बताएं कि जनसत्ता के अध्यक्ष राजा भैया समेत तमाम जो क्षेत्रीय दल है, चाहे बात की जाए बहुजन समाज पार्टी, सभी दल के लोग कहीं ना कहीं इस फैसले पर अपनी हामी जताते हुए नजर आए। वहीं अगर बात की जाए तो इस मामले को लेकर अखिलेश यादव सदन से जब बाहर रखे तो उन्होंने कहा कि यह परंपरा गलत है। वहीं आपको बताएं कि इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं देखें तो लंबे अरसे से ये मामला चलता आया, मगर 2017 में जब इस पे पूछा गया कि इस मामले को लेकर क्या सुनवाई की गई, उसके बाद कहीं ना कहीं ये मामला हाईलाइट हुआ और 2022 के अंदर में अगर बात करें तो इस मामले की पैरवी फिर से शुरू हुई और आज सजा सुनाई गई है। इसमें साफ तौर से अगर देखें तो इन पुलिसकर्मियों पर विशेषाधिकार हनन के जो विशेष अधिकार मिलते हैं विधायकों को, तमाम आम जनमानस को, उसके अधिकार के हनन के आरोप में इन्हें सजा सुनाई गई है। मयूरी विवांसो, इस मामले में एमएलसी सलील विश्नोई ने कहा है कि सपा बसपा के कारण इस मामले में 19 साल का वक्त लगा, ये आरोप कितने सही हैं? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो सलील बिश्नोई फिलहाल में विधान परिषद के सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और आज फैसला आने के बाद जब उनका बयान आया तो उन्होंने कहा कि पूर्व में भारतीय जनता पार्टी को अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई तो इस मामले को कहीं ना कहीं पैरवी की, इस पर बात की, मगर बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की सरकार रही तो इस मामले को कहीं ना कहीं दबाने का काम किया गया, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के विधान परिषद के सदस्य सलील बिश्नोई का आरोप है। वहीं उन्होंने कहा कि आज के फैसले पर उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र की है जीत है और कहीं ना कहीं जो संवैधानिक मूल्य हैं उसका जो हनन हुआ था उस पर कहीं ना कहीं ये मामला, ये फैसला उस पर कहीं ना कहीं एक देखे तो एक बेहतर साबित होगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस मामले पर जहां आज बात की जाए तो 58 सालों के बाद 1964 में इससे पहले विधानसभा के अंदर में जो कटघरा है वहां अदालत लगाई गई थी, अब उसके ठीक बाद 58 सालों के बाद कानपुर के मामले को लेकर आज लोक अदालत लगाई गई। इसमें साफ तौर से सभी जो 403 विधायक हैं, अभी अगर मौजूदा बात करें तो 402 विधायक हैं सदन के अंदर में, स्वार से अब्दुल्ला आजम की सीट बंद होने के बाद जो 402 विधायक हैं उनका कहीं ना कहीं सतीश महाना के इस फैसले पर उन्होंने अपनी हामी जताई और कहा कि कहीं ना कहीं विशेषाधिकार के हनन पर ऐसे फैसले आने चाहिए, और पुलिसकर्मियों की तरफ से जब उनका पक्ष सुना गया तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि हमसे गलती हुई और आइंदा से ऐसे कृत्य हम नहीं करेंगे। वहीं आपको बताएं कि जो तत्कालीन सीओ थे अब्दुल समद, वो अपने जो अपने पद से इंक्रीमेंट पाकर, पदोन्नति पाकर आईएएस कैडर में चले गए उन्हों और वो फिलहाल में रिटायर हैं, उन्होंने भी इस मामले को लेकर क्षमा मांगी और सजा को हंसते हुए स्वीकार किया। जी धन्यवाद विवांसु तमाम जानकारियों के लिए। यूपी निकाय चुनाव को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है, जहां अब मेयर और अध्यक्ष सीटों पर नए सिरे से आरक्षण लागू किया जाएगा। इसके अलावा नगर पालिका पालिका परिषद अधिनियम में संशोधन होगा, साथ ही जल्द ही कैबिनेट में प्रस्ताव पास कराने की भी तैयारी है। दरअसल प्रस्ताव पास होने से सीटों का आरक्षण बदल जाएगा। बता दें कि हाई कोर्ट के आदेश पर गठित आयोग ने रिपोर्ट तैयार की है और इस रिपोर्ट को जल्द ही मुख्यमंत्री को सौंपा जाएगा।
इसके आधार पर पिछड़ों की हिस्सेदारी की जाएगी। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 31 मार्च तक का समय दिया था। जल्द ही मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश पर गठित आयोग ने रिपोर्ट तैयार की है और इस रिपोर्ट को जल्द ही मुख्यमंत्री को सौंपा जाएगा। मेयर और अध्यक्ष सीटों पर फिर से आरक्षण होगा। जल्द ही कैबिनेट से प्रस्ताव पास करने की मांग की जाएगी। इस खबर पर हमारे संवाददाता रितेश हमसे जुड़ेंगे। रितेश, यूपी निकाय चुनाव में मेयर और अध्यक्ष की सीटों का इस बार पूरी तरह से आरक्षण बदल जाएगा, क्या कुछ नई व्यवस्था होगी? देखिए मयूरी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से नगर निकाय चुनाव को लेकर के पूरे मामले को देखा जा रहा था, उसके बाद आपत्तियां दाखिल हुई। आपत्तियां दाखिल होने के बाद कहीं ना कहीं चुनाव को टाल दिया गया था। तो अभी तक जो पार्षद का और सभासद का जो चुनाव होता था, उस पर आरक्षण को लेकर के पूरी तरीके से एक समिति बैठी हुई थी। उस समिति को अब 31 मार्च तक पूरा अपना एक ब्यौरा देना था और सरकार को सौंपना था। उसके तहत अब ये बीच में जाना जा रहा है कि जो मेयर और जिला पंचायत जो अध्यक्ष होंगे, उनका भी जो जिला परिषद के जो अध्यक्ष होंगे, वो चेयरमैन जो होते हैं, उनका भी जो चुनाव होता है, उनके लिए भी अब आरक्षण की नीति लागू होगी। तो कुल मिला के जो समितियाँ हैं 31 मार्च तक जो इनको पूरी तरीके से इनको रिपोर्ट सौंपनी थी सरकार को, वो पूरी तरीके से रिपोर्ट तैयार हुई। इसके बाद सरकार को रिपोर्ट दी जाएगी। सरकार कहीं ना कहीं उस रिपोर्ट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट को अपना जब वो पक्ष रखेंगे, तब जाकर के कहीं अब आरक्षण नीति फिर से लागू होगी। फिलहाल अभी जो जानकारी मिल रही है, वो मेयर के चुनाव के लिए भी, जो अध्यक्ष पद का चुनाव है, उनके लिए भी आरक्षण की नीतियों को लागू किया जाने की बात कही जा रही है। मयूरी, रितेश, सूत्रों के मुताबिक आयोग की रिपोर्ट आने के बाद राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जा सकती है चुनाव की कराने के लिए? जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि ये नियम है अभी जो, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप रहा है, जो समस्याएं आ रही थी उसको लेकर के जो आरक्षण का मामला अभी उठा था सन 2012 और 17 में, जो पहले नीतियां लगी थी, जो ट्रिपल टेस्ट हुआ था, उसको लेकर के अभी तक जो मेयर पद का जो चुनाव होता था वो 2012-17 को मान के ही कराया गया था, पहले भी हो चुका था। अब उसके बाद उस चीज़ को भी बदला जा रहा है, कहीं ना कहीं वो आरक्षण के दायरे में आ रहा है, तो उसके लिए उस पर भी आरक्षण की नीतियों को बनाया जाएगा। तो अब वो भी जो ट्रिपल टेस्ट हो रहा है, जो समितियाँ बैठी हैं, वो अपनी रिपोर्ट को तैयार कर रही हैं। तैयार करके उनको 31 मार्च तक का समय दिया गया है, उसके बाद वो सरकार के पास अपनी चीज़ों को रखेंगी। फिर सरकार कहीं ना कहीं कोर्ट के पास जाकर के अपना पक्ष रखेगा और फिर उसके बाद कोर्ट के हस्तक्षेप से उसके निर्देश के बाद चुनाव के डेट का ऐलान होगा, तब जाकर के कहीं नगर निकाय का चुनाव हो सकेगा। जी धन्यवाद रितेश तमाम जानकारियों के लिए। चार बजे की चार बड़ी खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।